हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइन। करीना कपूर से नाराज हुए सलमान खान, वजह बने शाहरुख खान। रूमर हैज इट सलमान की लाइफ में है न्यू गर्ल, हु इज दैट लकी गर्ल। रितेश ने अपनी गर्लफ्रेंड जिनीलिया के बर्थडे पर दी स्पेशल पार्टी। प्रियंका कर रही है लारा के होने वाले बेबी के लिए शॉपिंग। संजय दत्त के दोनों क्यूट बेबीज की मीडिया में आई पिक्चर। और दिखाएंगे आपको इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक पर सोनम और लारा का रैंप पर जलवा। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं करीना कपूर से। करीना से सलमान खान बहुत नाराज हैं और वजह बने शाहरुख खान, कैसे देखिए हमारी फर्स्ट स्टोरी में। Because you know what is the next question, that who is the genius? I said Shahrukh, they've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shahrukh. Then the next question was God of acting, so I said Aamir. तीनों खान के चक्कर में करीना कपूर ही क्यों बार बार फंसती हैं? इस सवाल का जवाब आए उससे पहले शाहरुख, आमिर और सलमान खान, इन सब की लॉयल बनने की कोशिश में लगी करीना कपूर का नया गूफ अप तो देख लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर करीना की कौन सी हरकत अब सलमान खान को भी उसी तरह नाराज करने वाली है जैसे हुए थे शाहरुख। Because you know what is the next question, that who is the genius? I said Shahrukh, they've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shahrukh. Then the next question was God of acting, so I said Aamir. शाहरुख के सामने तो करीना को सफाई देने का मौका भी मिला था, पर सुनने में आया है कि सलमान खान करीना से इस कदर नाराज हैं कि वो शायद करीना को आसानी से बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। इसकी वजह भी एकदम साफ है। दरअसल पिछले दो सालों से सलमान खान ईद पर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स लेकर आए हैं। 2009 की ईद रिलीज थी वांटेड, 2010 की ईद रिलीज बनी दबंग जैसी सेकंड बिगेस्ट ग्रॉसर, और इस बार ईद पर सलमान बॉडीगार्ड ला रहे हैं। अब ऐसे में अगर करीना सलमान के साथ फिल्म का प्रमोशन करने के बजाय शाहरुख खान के साथ दुबई में डांस शो में परफॉर्म करेंगी तो सलमान को तो गुस्सा आएगा ही ना। बस यही है सलमान खान के गुस्से की वजह। लेकिन करीना को शायद सलमान खान के गुस्से का अंदाजा नहीं। लगता है करीना सोच रही हैं कि सलमान को बटरिंग करके मनाया जा सकता है। बस इसके लिए सलमान को उनके ही सामने नंबर वन और मोस्ट फेवरेट ही तो बताना है। तीनों खान बहुत अलग है। करीना जी, ये सलमान खान हैं, इनके थप्पड़ से नहीं, सबको इनके प्यार से डर लगता है। आप भी थोड़ा डर कर और थोड़ा बच कर रहिए, क्योंकि सलमान पूरी तरह समझ चुके हैं कि आप क्यों करती हैं तीनों खान्स की तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। करीना उस सवाल पे जवाब नहीं देंगी। I'll tell you, करीना कैसी हैं? जैसे आपने पूछा कि वो थ्री खान्स के बारे में, अब जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं और मम्मी ने पूछा कि हु इज बेटर, मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना, और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोले? डैडी ना। सुना आपने, अब कोई नया तरीका ढूंढ लीजिए तीनों खान्स को अपने बस में करने का, क्योंकि आपका सबकी तारीफ करने का ये पंडा सलमान ने एक्सपोज करके रख दिया है। तो जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं और मम्मी ने पूछा कि हु इज बेटर, मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना, और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोले? डैडी ना। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक पर सोनम कपूर और लारा दत्ता ने किया रैंप वॉक, और हम आपको दिखाते हैं उनके रैंप वॉक की कुछ खास ग्लिम्पसेस। कनेक्ट टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ IIJW। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक की ब्रांड एम्बेसडर सोनम कपूर ने किया रैंप वॉक ऑन द क्लोजिंग डे ऑफ द ज्वेलरी वीक। This time, IIJW paid tribute to the famous international brand by making it the closing show of the event. The past 4 days, yahan hame dikhi kafi actresses
flaunting their bling and jewelry. कुछ एक्ट्रेसेस ने किए फैशन फॉपर तो कुछ को मिला जूम फैशन पुलिस से थम्स अप. और इसी तरह डे 5 पर जूम फैशन पुलिस ने स्पॉट किया द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIJW और बॉलीवुड की फैशन डीवा सोनम कपूर को एज एन एक्सेप्शन टू जस्ट द बी टाउन लेडीज. यहाँ पाए गए सोनू सूद भी वॉकिंग द रैंप एंड शोकेसिंग सम ब्यूटीफुल मेन कलेक्शन इन द ज्वेलरी सेक्शन. बिसाइड सोनम कपूर एंड सोनू सूद, लारा दत्ता टू वॉक द रैंप. इस पूरे इवेंट के अपडेट हम आपको दिखाएंगे हमारे शो बी टुनाइट पर आज रात 10 बजे. सो डू ट्यून इन टू फाइंड आउट द टोटल स्टाइल अपडेट्स ऑन द सेम. रूमर बाजार में एक बार फिर सलमान के लिंकअप की खबरें आई हैं और इस बार सलमान का नाम जुड़ा है श्रेया सरन के साथ. कभी सोमी अली तो कभी ऐश्वर्या राय बच्चन, कभी कटरीना कैफ तो कभी संगीता बिजलानी. सलमान खान का बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम जोड़ा गया है और अब गॉसिप बाजार में आ गया है एक और नाम. ये नाम है श्रेया सरन का. जी हाँ, बॉलीवुड के गॉसिप बाजार की माने तो आजकल श्रेया सरन और सलमान खान की क्लोजनेस बढ़ती ही जा रही है. सोर्सेस की माने तो सलमान खान और श्रेया सरन में क्लोजनेस तब आई जब उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम के एक फंक्शन में श्रेया सरन को बुलाया. वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ काफी कम्फर्टेबल नजर आए. उसके बाद साउथ के ही एक दो और फंक्शन में दोनों को एक साथ देखा गया और अब तो अरबाज खान की बर्थडे पार्टी में भी सलमान खान ने श्रेया सरन को बुलाया था. वेल, सोर्सेस की माने तो यहाँ भी सलमान श्रेया के साथ बातों में बिजी थे. तो क्या दोनों के बीच आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं. वेल, इस बारे में जब श्रेया सरन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सलमान इज अ वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग बट आई एम सिंगल एंड हैप्पी. डिटो फॉर सलमान आई गेस. प्लीज डोंट ड्रैग मी इनटू अ कंट्रोवर्सी. श्रेया तो जस्ट अ फ्रेंड बता रही है बट वी वंडर कि कटरीना का इस खबर पर क्या रिएक्शन होगा. सिंगर शान ने फिल्म फरारी की सवारी के लिए किया म्यूजिक कंपोज और इस फिल्म का म्यूजिक सबसे पहले शान ने रिवील किया जूम के बूम पर. सिंगर शान जॉइन जूम इन अ कॉन्वर्सेशन एंड दे दिया उन्होंने फरारी की सवारी का एक्सक्लूसिव टीजर. फरारी इस तरह का है. फरारी की सवारी, ये था टीजर मुन्ना भाई डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की अवेटेड मूवी फरारी की सवारी के टाइटल ट्रैक का. गाने के सिंगर शान इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टू ज़ूम गेव अस दिस लिटिल झलक ऑफ द सॉन्ग. ही शोड द यू नो एक्सुबरेंस एंड फ्लैम्बॉयंस एंड इट्स अ टीजर फॉर दैट. यही नहीं, शान ऑल्सो लेट आउट अ सीक्रेट कि ये गाना उनके साथ गाया है बमन ईरानी ने. एंड इट्स ऑल्सो गॉट बमन ईरानी एंड यू नो वी सांग इट टुगेदर. देयर इज अ किड सिंगिंग टुगेदर. शान ने जूम को सीक्रेट बता तो दिया मगर फिर वो खुद ही डर गए कि कहीं विधु विनोद चोपड़ा ना हो जाए उनसे खफा. जब तक गाने आएंगे नहीं, यू नो मे बी नॉट राइट. संजय दत्त ने मान्यता के बर्थडे पार्टी पर रखी आलीशान पार्टी. सलमान को बुलाया, जरीन को बुलाया, लेकिन नहीं बुलाया कंगना रनौत को. संजय दत्त ने फिर रखी एक स्पेशल पार्टी. शाहरुख को बुलाया, करण जौहर को बुलाया, लेकिन फिर नहीं बुलाया कंगना रनौत को. जी हाँ, संजय दत्त की हर पार्टी की स्पेशल मेहमान अब उनकी किसी भी पार्टी में नजर नहीं आती और इसकी वजह है संजय दत्त की कंगना रनौत से नाराजगी. रूमर बाजार की माने तो कंगना रनौत से संजय दत्त बहुत नाराज हैं और वजह ये है कि कंगना रनौत ने संजय दत्त के साथ फिल्मों में काम करने से मना कर दिया. संजय दत्त ने अपनी फिल्म सत्ते पे सत्ता के रीमेक के लिए कंगना रनौत को अप्रोच किया था लेकिन कंगना ने रोल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया. उसके बाद फिल्म डिपार्टमेंट जिसके लीड हीरो संजय दत्त हैं, जब उसके लिए राम गोपाल वर्मा कंगना के पास गए तो कंगना ने वहाँ भी संजय दत्त के साथ काम करने से मना कर दिया. रूमर बाजार की माने तो कंगना रनौत को लगता है कि चाहे रास्कल हो या फिर डबल धमाल, उनकी संजय दत्त के साथ फिल्म्स फ्लॉप ही हो रही हैं. इसीलिए उन्होंने अब संजय दत्त के साथ फिलहाल काम ना करने का फैसला लिया. बस यही बात संजय दत्त को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और इसी वजह से उन्होंने अपनी वन टाइम क्लोज फ्रेंड को स्पेशल पार्टीज में इनवाइट करना बंद कर दिया है. रितेश देशमुख जेनेलिया के साथ तो अपने जूसी लिंकअप की खबरों को एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन हाँ,
पार्टी जरूर दे रहे हैं, वो भी उनके बर्थडे की। जनीलिया के बर्थडे को रितेश देशमुख ने बनाया और स्पेशल। जनीलिया के स्पेशल फ्रेंड रितेश देशमुख ने उनके बर्थडे पर अपनी आने वाली फिल्म तेरे नाल लव हो गया के सेट्स पर किया एक ग्रैंड सेलिब्रेशन। इस फिल्म में रितेश के साथ जनीलिया भी हैं। और सुनने में ये भी आया है कि इस फिल्म के एक खास गाने को रितेश जनीलिया के बर्थडे पर शूट करना चाहते थे। जनीलिया ने रितेश का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया है और ये कह दिया, यू आर जस्ट टू स्वीट आरडी एंड दिस मींस द वर्ल्ड टू मी। So glad I brought in my birthday on Tere Naal Love Ho Gaya sets. Just felt beautiful. भाई जनीलिया, अब आपके लिए नहीं करेंगे रितेश ये सब, तो क्या फिर किसी हॉट फॉरेन बेब के लिए करेंगे? नहीं ना। प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता की कैट फाइट की खबरों को अब आप भूल जाइए, क्योंकि अब प्रियंका कर रही हैं लारा के होने वाली बेबी के लिए शॉपिंग। प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता कभी दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे, कभी दोनों के बीच आती रहती थी राइवलरी की खबरें, लेकिन अब ये दुश्मनी दोस्ती बन गई है। दोस्ती भी ऐसी कि लारा के बेबी के लिए शॉपिंग करना चाहती है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए ये कहा है कि वो लारा के होने वाले बच्चे के लिए इतनी खुश हैं कि करना चाहती हैं उनके लिए बेबी शॉपिंग। वहीं लारा दत्ता ने प्रियंका की तरफ से आए इस नोट पर शुक्रिया अदा किया है। लारा ने कहा है कि अब वो ज्यादातर समय बेबी शॉपिंग ही करती नजर आएंगी। वेल, एक ही टाइम पर ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली और एक ही साथ फिल्म में डेब्यू करने वाली इन दोनों एक्ट्रेसेस ने दोस्ती का दामन तो थाम लिया है, लेकिन प्रियंका मॉमी बनने की रेस में लारा तो आगे निकल गई है। वी आर वेटिंग फॉर योर मूव। और अब हम आपको दिखाते हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures from B Town for you. So here we go. पहचाना इन नन्हे बेबीज को, ये हैं संजय दत्त के लिटिल बेबीज शाहान एंड इकरा, जिन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर क्लिक किया गया। देखिए जरा, जो बेबी ब्लू ड्रेस में है वो है शाहान और जो पिंक में है वो है इकरा। वेल, दोनों ही संजय दत्त के जुड़वा बच्चे हैं और ये मीडिया में पहली पिक्चर आउट हुई है जब दोनों को एक साथ किया गया है क्लिक। और अब देखिए जरा इस पिक्चर को, क्या आपने पहचाना ये कौन है? एनी गेसेस? क्या कहा, नहीं पहचाना? तो चलिए हम बता देते हैं, ये है शिल्पा शेट्टी और शिल्पा का ये लुक है उनकी आने वाली हिंदी फीचर फिल्म द डिजायर के लिए। अनडाउटेडली यूपी बिहार लूटने वाली शिल्पा का ये लुक है काफी यूनिक। अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कटरीना कैफ की इंडियन आर्मी के जवान के साथ कुछ और तस्वीरें। जरा कटरीना की ड्रेस पर तो गौर कीजिए, बॉलीवुड ब्यूटी इस रफ ड्रेस में भी कम नहीं लग रही। सलमान, देख रहे हैं ना आप? और अब जरा इस तस्वीर को देखिए, इसमें प्रियंका चोपड़ा है यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप यानी UMG के साथ। और अब हम आपको दिखाते हैं हीरोइन के सेट से आई ऐश्वर्या राय बच्चन की कुछ और तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ऐश्वर्या राय का फिल्म हीरोइन के लिए किया जा रहा है मेकअप। वेल, अनफॉर्चुनेटली अब ऐश्वर्या इस फिल्म का पार्ट नहीं रही। आज के लिए इतना ही, बट फॉर मोर लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन टू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM एंड 10 PM। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस ज्वेलरी ब्रांड ने चुराया शाहरुख खान का सॉन्ग। शाहरुख खान की फिल्म रावण के सॉन्ग छम्मक छल्लो को एक ज्वेलरी ब्रांड ने कर लिया चोरी और इसी बात से नाराज होकर अब शाहरुख खान की फिल्म के प्रोड्यूसर्स लेने जा रहे हैं लीगल एक्शन। आज अगर शाहरुख से ज्यादा अगर कोई न्यूज में है तो वो है उनकी मूवी रावण, एंड शाहरुख इज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट्स सॉन्ग छम्मक छल्लो। हो भी क्यों ना, इंटरनेशनल स्टार एक और ने जो गाया है एंड वो भी पंजाबी में। मगर बिफोर शाहरुख कुड प्रॉपरली लॉन्च द सॉन्ग, एक ज्वेलरी ब्रांड ने इसे यूज कर दिया इन इट्स ज्वेलरी शो। वैसे तो शाहरुख एंड करीना पर पिक्चराइज्ड ये गाना नेट पर लीक हो गया, मगर रावण का म्यूजिक लॉन्च नहीं हुआ।
इसीलिए इसे लीगली यूज नहीं किया जा सकता। गाने के राइट्स टी सीरीज को दिए जा चुके हैं एंड टी सीरीज के ओनर मिस्टर भूषण कुमार इज सीडिंग ओवर द मिसयूज। कंपनी के मार्केटिंग एंड मीडिया रिलेशंस के प्रेसिडेंट मिस्टर विनोद भानुशाली ने जूम को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया दैट किंग खान एंड टी सीरीज आर प्लानिंग टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द ब्रांड। मिस्टर खान एंड भूषण कुमार हैड अ वर्ड आरएमडी एंड दैट्स द रीजन यू नो वी सेड कि ओके दिस इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी गॉन अननोटिस्ड एंड वी विल डेफिनेटली टेक अ हार्श स्टेप ऑन दिस। तो देखा आपने, शाहरुख एंड टी सीरीज हैव गियर्ड अप टू सेंड अ लीगल नोटिस टू द ब्रांड। It is an act of infringement as far the legal term goes. They should not have been doing this. You know, it's not released yet. We are now in a process of sending them a legal notice. But Mr. Bhanushali, ye gana to already internet par leak ho chuka hai aur usko koi bhi kar sakta hai wahan se download. That's all piracy. Used on a platform wherein the whole media was invited, and you know, it's not a small thing to just pick up a song and put it on a platform like this. It is infringement, but it is also not enough a right way to do business. ये तो आपने ठीक कहा। We wonder how Shahrukh is taking this, जिनके थे big plans Akon के इस गाने को launch करने के। तभी तो he even delayed the launch क्योंकि Kareena was busy promoting Bodyguard. रजनीकांत के लिए उनके फैंस कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पता चला है कि रजनीकांत के 1008 फैंस ने उनकी गुड हेल्थ के लिए मंदिर में मुंडन तक करा लिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार अगर सलमान खान हैं, तो साउथ के सुपरस्टार हैं रजनीकांत। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस पागल हो जाते हैं। फैंस रजनीकांत को एक अभिनेता नहीं भगवान मानते हैं और रजनीकांत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसका प्रूफ जूम आपको अपनी इस खबर में देने जा रहा है। खबर आई है कि रजनीकांत के 1008 फैंस ने तमिलनाडु के एक टेंपल में मुंडन करवाया है, और सभी ने मुंडन करवाते वक्त सिर्फ एक ही दुआ मांगी कि रजनीकांत की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब इसे इत्तेफाक कहे या फिर ईश्वर की दुआ, रजनीकांत के 1008 फैंस की इस प्रेयर के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अपने फैंस के इस स्वीट जेस्चर से गदगद हो गए हैं। अब इसे देखकर हम क्यों ना कहें स्टारडम हो तो रजनीकांत जैसा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शाहाना गोस्वामी का मिलिंद सोमन और रणदीप हुडा के साथ क्या चल रहा है। मीडिया में ऐसी खबरें उड़ रही थी कि शाहाना गोस्वामी और मिलिंद सोमन के बीच ब्रेकअप हो गया है और अब वो रणदीप हुडा के साथ क्लोजनेस बढ़ा रही हैं। लेकिन इन खबरों पर सफाई देने के लिए अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर खुद आ गए हैं शाहाना गोस्वामी। ब्रेक के बाद रॉक ऑन और हनीमून ट्रेवल्स जैसी फिल्मों में काम करने वाली शाहाना गोस्वामी के बारे में गॉसिप बाजार में ऐसे र्यूमर्स गर्म थे कि उनका और मिलिंद सोमन का ब्रेकअप हो गया है। इन र्यूमर्स पर अपनी सफाई देने के लिए जूम पर खुद आ गई हैं शाहाना गोस्वामी। No, I haven't. I don't know why people keep saying that. I haven't broken up. इतना ही नहीं, शाहाना ने तो ये भी बताया कि मिलिंद सोमन उन्हें गोवा ले जाते हैं और वहाँ दोनों साइकिल पर घूमते भी हैं। On my birthday, taking me to Goa and cycling around Goa. So that was, yeah, that was, I mean, it was something that Goa एक खूबसूरत जगह है, पर वहाँ पे जाके सिर्फ बहुत सिर्फ बीच पे बैठे रहना या सिर्फ खाना is a very cliched thing. तो the fact that हम लोग साइकिल लेके निकल गए और cycling around Goa was something that I find more interesting. शाहाना गोस्वामी और बिलन की लव लाइफ अच्छे से चल रही है। अच्छा शाहाना, जरा ये बताइए कि बीच में आपके और रणदीप हुडा के भी जूसी लिंकअप की खबरें आई थीं, उस पर आप क्या कहेंगी? The worst rumor I heard about myself was that I was in love with Randeep Hooda and I was and we had a fight and we broke up and then on our way back from Bangkok on the flight, I doused my sorrows in alcohol and landed drunk at the airport.
I think that was the funniest rumor I had heard about myself. चलिए तो rumor ही था, but we are happy that आपके और मिलन सुमन के relationship की खबरें rumors नहीं हैं. Warning to all our fashion buffs because Zoom is launching a new show, Style Strip, जो आ रहा है सबके बैंड बजाने. Tune in on 9th August at 6 p.m. Well, with this it's a wrap, but breaking news, fights, scandals, juicy link-ups and hot gossip ke fresh and fast bulletin ke saath, hum kal phir hazir honge. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.